ध्यान मुद्रा में बैठिए, आंखें बंद रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी, मन एकदम शांत। तीन बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, सांस भरिए। ओ दोनों हाथों का दर्शन करना है। अब करेंगे हम भस्त्री का प्राणायाम। डीप ब्रीथिंग करना है, इससे हमें एनर्जी मिलती है, बॉडी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। डीप ब्रीथिंग करना है, सांस भरना है पूरा चेस्ट में, भरिए। धीरे धीरे छोड़िए। ये आपको रोज का 3 से 5 मिनट करना है, इससे अपने लंग्स भी मजबूत हो जाते हैं। अब करेंगे नेक के लिए स्ट्रेचिंग, नेक रोटेशन, नेक जाना है लेफ्ट, बीच में आइए राइट, ये भी आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। दूसरा है सांस भरते भरते ऊपर, छोड़ते छोड़ते नीचे, आंखें बंद रहेगी। ये भी आपको डेली 3 से 5 बार करना है, इससे नेक और शोल्डर के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब करेंगे शोल्डर के लिए, सांस भरिए, घुमाइए अपोजिट डायरेक्शन। ये भी 3 से 5 बार कर सकते हैं। इसका दूसरा अभ्यास, शोल्डर पकड़ना है, अपोजिट डायरेक्शन, एंड रिलैक्स। अब पकड़िए, सांस भरते भरते हाथ ऊपर, छोड़ते छोड़ते नीचे, एंड रिलैक्स। अब दोनों हाथ सामने लाना है, 1 2, घुटने बंद करना है, रोटेशन करना है, एंड रिलैक्स। ये हो गया हाथ और नेक के लिए स्ट्रेच। अब पैर के लिए करेंगे, पैर में हमें दंडासन में जाना है, दोनों पैर को लंबा छोड़ना है, घुटने से ऐसे विप्स मारना है, इससे पैर्स के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। अब पैर की उंगली हिलाना है, साथ में सांस भरना है, छोड़ना है। अब कस के पकड़िए, छोड़िए, और एक बार छोड़िए। पैर को आगे स्ट्रेच करेंगे, सांस भरते भरते, सांस छोड़ते छोड़ते पीछे, और एक बार रिलैक्स।
ये भी आप 3 से 5 बार डेली कर सकते हो। अब रोटेशन करना है, अपोजिट डायरेक्शन, एंड रिलैक्स। ये हो गया अपना बेसिक स्ट्रेचिंग। ये आपको आसन और प्राणायाम करने से पहले डेली करना है। ओम। अब हम खड़े होके कुछ आसन करेंगे जो अपने बॉडी का बैलेंस बनाने में यूजफुल है। उसमें पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल है, इससे हाइट भी बढ़ता है और अपना पेट को भी स्ट्रेच मिलता है। देखिए कैसे करना है, दोनों पैरों में अंतर रखना है, लगभग 1 फुट का अंतर। दोनों हाथ इंटरलॉक करेंगे, अब सांस भरते भरते जाना है ऊपर, तो उसके ऊपर खड़े हो जाइए। पूरा हाथ कान को टच करना है, सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए। रिलैक्स, पैर नीचे, हाथ नीचे, रिलैक्स। और एक बार करेंगे, हाथ इंटरलॉक कीजिए, सांस भरिए और पूरा सीधा टोस के ऊपर खड़े हो जाइए। पूरा बैलेंस बनाना है, एक जगह पे फोकस कीजिए, इससे कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। हाथ नीचे, रिलैक्स। आप ऐसे पकड़िए वापस, इससे जाना है साइड लेफ्ट साइड। फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, साइड से बेंड होना है। वापस आइए, दूसरी साइड, सांस भरिए। एक सेकंड रुकना है, वापस आइए, रिलैक्स। ये पेट की मसल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। अब करेंगे वृक्षासन, ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसमें ट्री पोज, झाड़ के जैसे खड़े होना है, एक पैर को फोल्ड करना है, पूरा बैलेंस बनाना है, एक जगह पे फोकस कीजिए। चलो, दोनों हाथ साइड में, सांस भरिए, छोड़िए, रिलैक्स। और एक बार, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़िए, रिलैक्स। अब दूसरे पैर से करेंगे, पहले फोकस बना लीजिए एक जगह पे है, बाद में हाथों का मूवमेंट करना है। भरिए सांस, हाथ ऊपर, सांस भरते रहिए, छोड़ते रहिए, हाथ नीचे, रिलैक्स। और एक बार, आप लेफ्ट पैर को उठाना है, घुटने से फोल्ड करेंगे, पूरा खींच के पकड़ना है, एक पैर पे पूरा बॉडी का बैलेंस बनाना है। पैर नीचे छोड़िए, दूसरा पैर, सांस भरिए, छोड़।
अब लेफ्ट हैंड है वो कमर के पीछे रखेंगे, राइट हैंड का अंगूठा पकड़िए ऐसे, पैर पूरा सामने सीधा, पैर नीचे छोड़िए, रिलैक्स। दूसरा पैर, रिलैक्स। ये सब आसन हमको बॉडी के बैलेंस के लिए बहुत उपयोगी है। अब करेंगे चेयर पोज, दोनों हाथ सामने रखना है, टोस पे खड़े हो जाना है। अब धीरे 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 चेयर पोज में बैठिए, बॉडी को आगे बेंड नहीं करना है, सीधा जाना है। अब पूरा बैठिए, टोस के ऊपर बैठना है, वापस चेयर पोज। विश्राम, इससे पैर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और अपने पैर के मसल्स मजबूत हो जाते हैं। अब करेंगे घुटने के लिए स्ट्रेचिंग, नी के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। इसमें लेफ्ट साइड जाना है, लेफ्ट साइड का पैर ऐसे रहेगा, राइट हैंड राइट का पैर ऐसे रहेगा। अब नी बैंड करना है, पीछे का पैर स्ट्रेट, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। राइट साइड जाना है, राइट साइड, 1, 2, 3, 4, 5, विश्राम। और एक नी के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे, दोनों हाथ सामने रहेंगे, नी से बैंड होना है, 1, 2,